शहर में दिन प्रतिदिन चोरी व लूट की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। वीरवार को देर रात हाईवे पर सेक्टर 9 के पास एक पेट्रोल पंप पर कुछ बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और कर्मचारियों को बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए कहा। रात जैसे ही कर्मचारी ने पेट्रोल पंप से बने कैबिन से दरवाजा खोला तो अचानक बदमाशों ने कर्मचारी के सिर पर हमला कर दिया, जिससे कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। जैसे दूसरे कर्मचारी ने सहायता करनी चाही तो उस पर चाकू से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि लुटेरे गल्ले से करीब 35,000 रुपये कैश निकाल कर ले गए। ये आज लगभग 2:45 बजे के आसपास रात को, जी रात के समय में 3-4 लुटेरे आते हैं पंप के ऊपर। हमारे सेक्टर 9 में करनाल पेट्रोल के नाम से पेट्रोल पंप है, तो मौके पे 2 कर्मचारी उपस्थित थे। जैसे उसने दरवाजा खटखटाया, वैसे हम उस समय कार्य नहीं करते, लेकिन ज़बरदस्ती उन्होंने तेल डलवाने के लिए इस बहाने से किस चीज़ पर आए थे वो मोटरसाइकिल थी, एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग थे। हाँ जी, जैसे कि लड़कों ने बताया जी, जी तो लड़के ने जैसे दरवाज़ा खोला जी, तो उसके सर पे कोई हथियार मारा है, उसको लड़के को पूरी ब्लीडिंग हुई है, लड़का नीचे गिर गया है, उसकी जेब में कुछ पैसे थे वो छीन लिए, उसका मोबाइल छीन लिया। दूसरा लड़का भी था यहाँ पे, उसको जैसे उसने चाकू से सारा वायरिंग थी वो काट रहा था, दूसरा जो लुटेरा था उसने DVR निकाल लिया और उस लड़के के ऊपर चाकू से हमला किया, जो कि उसके पैर पे लगा है। और जो ड्रॉर थी हमारी, ड्रॉर में कुछ पैसे जो ये रखते हैं लड़के, रात का कैश ड्रॉर में था, तो सारी ड्रॉर वोर हिंडा दी थी, ड्रॉर से पैसा निकाल लिया, DVR निकाल लिया, स्क्रीन निकाल ली, ये मशीनें रखे क्रेडिट कार्ड की, ये सब वो तोड़ गई थी। पीछे से अचानक से राइडर आती है जी, वो गश्त करती है यहाँ पे पीछे सेक्टर 9 चौकी से, पुलिस को देख के वो भाग खड़े, वो मौके पर अपनी मोटरसाइकिल छोड़ गए और पैदल भाग गए। कितने कर्मियों को यहाँ पर चोट लगी है आपके? उस समय 2 कर्मी थे जी, दोनों को चोट लगी है, एक लड़के को सिर पे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, उसको सिर पे टांके आए हैं, एक लड़के के पैर पे चोट लगी है और उसको भी टांके पैर पे लगे हैं, और भी जो हाथापाई में चोट उनको लगी है वो भी हुई है। तो CCTV कैमरे वगैरह थे यहाँ पे? हाँ जी, CCTV कैमरे, लेकिन वो DVR जो है अपने साथ ले गए। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? हमारा नंबर निवेदन हाथ जोड़ के कि दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ती जा रही है, हालांकि पुलिस प्रशासन अच्छा काम भी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व हैं उनके अंदर लॉ एंड ऑर्डर को लेके वो ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर को मान नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और हम यही चाहेंगे कि जो भी जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है, लड़कों को चोट मारी है, कैश छीना है, उनको जल्दी जल्दी पकड़ के सख्त से सख्त सजा दी जाए। सर कितना लगभग कैश हो गए हैं? अंदाजा नहीं है, 30,000 से 40,000 रुपये। और कब की बात है, क्या समय रहा हो? ये 2:45 के करीब आज सुबह 18 तारीख। आपका नाम? मेरा नाम अमित कुमार, मैं डीलर हूँ।